नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि रामफल खाने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, रामफल जैसे कि हम जानते हैं हिंदुओं के आस्था का विषय है, तो हम जो है रामफल के बारे में बात करेंगे। रामफल में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती है, आइए मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि रामफल खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ दोस्तों, कैंसर के लिए ये एक रामबाण दवा है। कैंसर अगर किसी को हो रहा है तो वो इसे खाए, उसको नियंत्रण करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, रामफल को इंग्लिश में ग्रेवी ओला कहते हैं। अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो बोलिए कि ग्रेवी ओला फल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। ये खाने में खट्टा रहता है हल्का, और कैंसर रोधक गुण है इसमें। कीमोथेरेपी से 10,000 गुना अधिक प्रभावशाली है। हाँ दोस्तों, अगर जो जिनको कैंसर वो जानते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है, तो अगर उससे 10,000 गुना ज़्यादा प्रभावकारी होता है। आप इसको खाइए तो आप जो है कैंसर जैसी बीमारी से जो है आपको निजात मिलेगा। तो इसके कुछ सामान्य गुण, इससे बड़ी बात यह है कि ये एक प्राकृतिक फलों का रस है, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। पेट के कीड़े और परजीवी इस फल से स्वाभाविक रूप से मारे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रामफल कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत कारगर है। उच्च रक्तचाप, अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो आप इसको खाइए, तो आपका उच्च रक्तचाप जो सामान्य हो जाएगा। फंगस संक्रमण से अगर आप लड़ रहे हैं तो आप इसको खाइए, तो इससे जो है आपके जो फंगस जो संक्रमण है उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपको बहुत तनाव है, अवसाद और तांत्रिक समस्या संबंधित विकार है, तो इसको खाइए, इसको खाने से आपको बहुत राहत मिलेगी। राम फल का पेड़ आप कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं, इसके लिए कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी लग जाता है, बहुत ही फायदेमंद है। इसकी पत्तियां कैंसर कोशिकाओं को मारने में समान रूप से प्रभावित है, यह कैंसर की कोशिकाओं को मारता है। अगर आपको अगर आंखों से कोई आंखों की कोई परेशानी है तो आप इसको खाइए, तो आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएगी। अगर आप बहुत थके हुए हैं और बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप इसको खाइए, इससे बिल्कुल तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और जितनी थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर और रक्षक का काम करता है। बिल्कुल थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, तो आप इसको खाइए, बिल्कुल आपको जो एनर्जी आ जाएगी। पीठ में कैंसर, स्तन में कैंसर, प्रोस्टो कैंसर, इन सब प्रकार के कैंसरों को समाप्त करने के लिए इसको खाइए, बहुत ही फायदेमंद है। इसका अंग्रेजी नाम है गेवियोला पेड़। तो दोस्तों, राम फल के फायदे जानकर आपको ज़रूर खुशी होगी, तो आप इस फल को अवश्य खाएं। ये कहीं भी आसानी से लग जाता है, आप इसको खाइए और अपने दोस्तों को, आसपास सब लोगों को बताइए, जिनको अगर कैंसर से कोई प्रभावित है तो उसे बोलिए कि इसे खाए, इसे जो है बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।